और शाहगंज के गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए समाज को आगे आना चाहिए। हम अपनी स्पष्ट नीति और नियत से प्रदेश को आगे ले जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और सहयोग की भी अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहगंज की आबादी के संपूर्ण बीमाकृत होने और छोटे शहरों की श्रेणी में स्वच्छता में अग्रणी होने को प्रेरणास्पद बताते हुए कहा कि शासकीय धन के सदुपयोग में शाहगंज अग्रणी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार अपनी नीति और साफ शपथ से प्रदेश की तस्वीर और हर नागरिक के तकदीर बदलने का कार्य कर रही है। उन्होंने शाहगंज को कन्यादान योजना का सूत्रधार बताते हुए बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना भी बहनों को शान और इज्जत से जीने की योजना है। आयुष्मान कार्ड अलग बने हुए आज आप तो यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यहाँ तो पूरे ही हो गया है। भगवान ना करे इसके लिए भी मैं शाहगंज नगर को बधाई देता हूं। भगवान ना करे असमय मृत्यु हो तो 2 लाख रुपया और मिलेंगे। बाकी योजनाओं का लाभ अलग, भांजे भांजियों की पढ़ाई मामा के जिम्मे, और यहां तो मामा कोचिंग क्लास भी चल रही है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए भर्तियों के लिए पहले कोचिंग, 1,24,000 नौकरियों में अभी भर्ती हो रही है। सचमुच में मैं सारी योजना आज नहीं बता, लेकिन अगर नीति ठीक हो और नेता ठीक हो तो तस्वीर कैसे बदलती है देख लो।